देखिए, ओडिशा के कई राज्यों के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं लगातार चल रही हैं। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज बारिश लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज रात तूफान के लैंडफॉल तक नबन्ना के कंट्रोल सेंटर में रुकने वाली हैं। राज्य सरकारों की तमाम तैयारियों के बीच में उधर एनडीआरएफ भी दाना के खिलाफ कमान संभाल चुका है। मैं इस वक्त एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि जो तमाम टीमें, चाहे वो उड़ीसा हो वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, पश्चिम बंगाल हो वहां पर भी इफेक्ट काफी इस साइक्लोन का रहेगा, तो उसी हिसाब से एनडीआरएफ की टीमें यहां पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही झारखंड में 9 एनडीआरएफ की टीमें हैं, आंध्र प्रदेश में भी एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से 24/7 लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सहेदी। सर, जिस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है, आज रात में लैंडफॉल हो रहा है, एनडीआरएफ कहां कहां पर मॉनिटर कर रहा है और किस तरीके से नजर बनाए हुए तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना जो डेवलप हुआ है बे बंगाल में, इसको देखते हुए एनडीआरएफ की 56 टीमों की तैनाती की गई है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें उड़ीसा में 20 टीमों की तैनाती की गई है, वेस्ट बंगाल में 17 टीमें हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 19 टीमें मौजूद हैं, खासतौर पर पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट जो है उसको टेक केयर करने के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पैक्ट एरिया होगा वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होगा, इसलिए यहाँ पर फोकस एरिया है। भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बताया जा रहा है कि लैंडफॉल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, सो उसके लिए जो हमारी टीम्स हैं उसका कंसंट्रेशन भी वहाँ पर है। इवैक्यूएशन की कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है, तकरीबन 1,72,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में 1,50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और कार्रवाई चल रही है। तो ये लैंडफॉल से पहले हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो। सबसे ज्यादा सर टीमें आप लोगों ने उड़ीसा में 20 टीमें यहां पर लगाई हैं, किस तरीके से इक्विप्ड हैं एनडीआरएफ की टीमें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो स्पीड होगी हवा की इस इलाके में ज्यादा होगी, तो उसके लिए एनडीआरएफ ने किस तरीके की तैयारी की? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो मौसम है क्लाउडी है उड़ीसा में, मॉडरेट रेन्स हो रहे हैं, जो विंड स्पीड है तकरीबन 50 के आसपास बताई जा रही है, और जैसे ये लैंडफॉल होने के नज़दीक पहुंचेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और तकरीबन 100 से 110 और गस्टिंग स्पीड 120 लैंडफॉल के समय पर होगी। तो उसको देखते हुए जो प्रीएम्प्टिव एक्शन हमारा है वो इवैक्यूएशन होता है। लैंडफॉल के समय हमारा कोई एक्टिविटी होती नहीं है, बिकॉज उस समय सभी को, जो रेस्क्यूअर्स भी हैं, कम्युनिटी है, सभी को इंडोर्स कन्फाइंड रहना है, और पोस्ट लैंडफॉल एक अप्रिसिएशन लिया जाता है कि क्या डैमेज हुआ है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। हमारे पास इसमें बोट्स हैं, कटर्स हैं, और जो टेक्निकल मैन पावर भी है, जो स्टेट एजेंसीज को असिस्ट करते हैं, पावर कहीं आपके आउटेजेस हो गए हैं, बिजली के पोल्स वगैरह गिर जाते हैं, उसको रिस्टोर करने के लिए, रोड ब्लॉक्स क्लियर करने के लिए, ये सब कार्रवाई पोस्ट लैंडफॉल की जाती है। और चलिए, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा धामरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओडिशा से लाइव हैं वो। ये वो जगह है जहां पर लैंडफॉल होने वाला है, प्रोसेस यहीं से शुरू होगा। तो अनुपम, अभी क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है वो बताइए जरा और दिखाइए। जी शगुफ्ता, बिल्कुल, अभी इस वक्त हालांकि बड़े अचरज की बात है कि सुबह से यहां पर बड़ी तेज हवाएं चल रही थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, लेकिन अभी बारिश भी बहुत हल्की हो गई है, हवाएं भी बहुत कम हो गई हैं। तो ये अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लैंडफॉल से थोड़ा पहले हवाएं एकदम से बंद हो जाती हैं, तो हो सकता है कि ये वो सिचुएशन, वो हालात हैं जहां पर जो तूफान से पहले एक शांति कही जाती है कि तूफान से पहले शांति का माहौल होता है, वैसा कुछ है यहां पर। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी तवज्जो दी जा रही है और हर जगह अलर्ट मोड में प्रशासन है, एनडीआरएफ बोलिए, कोस्ट गार्ड बोलिए, इंडियन नेवी तक को अलर्ट पर रखा गया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, जो पुलिस है, प्रशासन है, हर कोई अलर्ट है, खासतौर पर जो कोस्टल बेल्ट है और खासतौर पर जो
धामरा जहां पर इस वक्त मैं हूं, यहां से लेकर भितरकनिका, इस दो जगहों के बीच में लैंडफॉल होने की बात है, रात में लैंडफॉल होने की बात है और सुबह तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस चलेगा जो बताया जा रहा है। और जो हवाओं की गति होगी 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी और 120 गस्टिंग स्पीड यानी जो झोंका बीच बीच में आता है वो गस्टिंग स्पीड बोलते हैं, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी। हालांकि जो दो बातें होती हैं, एक तो कैजुअल्टी होती है, दूसरा डिस्ट्रप्शन होता है। अब कैजुअल्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 वर्षों में तकनीक भी काफी उन्नत हो चुकी है, जो मेट प्रेडिक्शन होता है, वेदर प्रेडिक्शन होता है, वो भी काफी एक्यूरेट होने लगा है, जिसकी वजह से जो कैजुअल्टी हो रही है, होती थी पहले, उसको काफी कम किया जा चुका है और जीरो कैजुअल्टी पॉलिसी एक तरह से ये लेकर पिछले 3-4 सालों से उड़ीसा सरकार चल रही है। तो इस बार भी वही कोशिश है कि जीरो कैजुअल्टी की जाए। उसके लिए पहले से चूंकि पता चल गया है, पाथ पता चल गया है, जहां पर लैंडफॉल होना है उस जगह का पता चल गया है, तो उन जगहों पर से इवैक्यूएशन बहुत अच्छे से किया जाता है। अब तक पूरे उड़ीसा में लगभग 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, खासतौर पर ये जो धामरा है, भितरकनिका है, पूरी पारादीप, बालासोर, इन सब इलाकों से लोगों को, जो वल्नरेबल इलाके हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो समुद्र के बेहद नजदीक के किनारे के लोग हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनको साइक्लोन शेल्टर में शिफ्ट किया जा चुका है। तो ऐसे में कैजुअल्टी काफी कम होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। जीरो कैजुअल्टी पॉलिसी लेकर प्रशासन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये हवाओं की गति पर निर्भर करता है, जबकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होने की बात है। जो पेड़ हैं वो उनको खास तौर पर नुकसान पहुंचता है, पेड़ गिर जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम कटर्स के साथ रहती है मौजूद, अगर जैसे ही उनको सूचना मिलती है वो पहुंचती है, रास्ते खोले जाते हैं, कच्चे घर गिर जाते हैं, उनको वापस बनाने की प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। तो अब ये इससे पहले हमने देखा है 250-260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ीसा में तूफान आए हैं, लेकिन इस तूफान की गति उतनी नहीं कही जा रही है, 120 किलोमीटर गस्टिंग स्पीड है। ऐसे में पेड़ों को जरूर नुकसान पहुंचेगा, रास्ते बंद होंगे तो उसको खोलने के उपाय बंदोबस्त किए जा चुके हैं। जी चलिए, अच्छी बात देखने वाली यह है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी टीमें अलर्ट मोड पर हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के।